Hello everyone, welcome to our channel Assam Competitive Academy. If you are new to our channel, then press the subscribe button and hit the bell icon. So दोस्तों, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है परसेंटेज. परसेंटेज हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड परसेंटेज का यूज हमें बाकी सभी चैप्टर दूसरे चैप्टर्स में दिखता है, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एटसेट्रा. तो आइए समझते हैं कि परसेंटेज एक्चुअली होता क्या है. परसेंटेज में आपको दिखाई देगा दैट परसेंटेज पर और सेंट से बना है. तो पर क्या है, पर मतलब वन एंड सेंट मतलब 100. तो 100 में वन पार्ट क्या हो जाता है, परसेंटेज हो जाता है. 100 का वन पार्ट क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा. और परसेंटेज क्या करता है, किसी भी नंबर को डिफाइन करता है. परसेंटेज में जो सबसे बेसिक चीज आती है ये दैट मैं अगर आपको बोलता हूँ कि 100 कुछ एक चीज 100% होगा, तो आप इससे क्या समझेंगे, दैट 100% यानी 1 हो जाएगा. तो 100 में 1 पार्ट मतलब 100%. तो 100% क्या बनेगा, 100% 1 बन जाएगा. दैट इज 100% इक्वल टू क्या होगा, 1 बन जाएगा. सो ये हो गया हमारा ये परसेंटेज का वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू. एंड ये हो गया हमारा क्या, फ्रैक्शन वैल्यू. तो ये हमारा परसेंटेज वैल्यू है जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होके 1 हो गया. सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला कि 50%, मैंने आपको बोला है 50%, तो 50% मतलब क्या, 50% यानी कि आधा. देयरफॉर इसका परसेंटेज क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/2 हो जाएगा. तो आपको सबसे पहले ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना आना चाहिए. तो आइए सीखते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं. सबसे पहले जो 50% है, सपोज एग्जांपल लेता हूँ मैं 50% का, तो 50% को अगर हम लोग डिवाइड बाय 100 करें, देन इसका जो आंसर आएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन वैल्यू. दैट इज अगर यहाँ पे हम लोग इसे डिवाइड बाय 100 करेंगे, देन ये हमें क्या रिजल्ट करेगा, 1/2. दैट इज हो जाएगा ये फ्रैक्शन वैल्यू. एंड यही 1/2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करें, देन हमारा ये आंसर आएगा परसेंटेज वैल्यू. सो This is the way to convert a fraction to percent and percent to fraction. तो ऐसे ही आप लोगों को सारी values निकालना है. सबसे पहले बात करते हैं 100% की. तो 100% क्या बनता है, 100% बनता है आपका 1. 50% आपका हो जाएगा 1/2. 33 1/3% बनता है 1/3. 25% बनेगा आपका 1/4. 20% बनेगा आपका 1/5. इधर 16 2/3% बनेगा आपका 1/6. 14 2/7% बनेगा आपका 1/7. 12 1/2% बनेगा आपका 1/8. 11 1/9% बनेगा आपका 1/9. और 10% बनेगा आपका 1/10. देखिए दोस्तों, ये वैल्यूज जो है ये बहुत ही जरूरी है, ये आपको पूरा बाय हार्ट याद रहना चाहिए, सो दैट आप बाकी आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस जैसे सिंप्लीफिकेशन में आप इसका यूज करके आप क्वेश्चंस को फटाफट इसको आप सॉल्व कर पाए. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ. If 14 2/7% of a number is added to itself, then it becomes 4248. What is the original number? तो देखिए, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है. एक हम लोग यूज करते हैं बाई फार्मूला एंड दूसरा हम लोग यूज करेंगे बाई ट्रिक. तो पहले हम यूज करते हैं फार्मूला जो सबसे बेसिक एंड सिंपल है. तो चलिए बाई फार्मूला मेथड हम लोग देखते हैं. तो चलिए जो बेसिक मेथड है उससे हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. फर्स्ट जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा उसको हम लोग एक्स पकड़ते हैं. एक्स प्लस 14 2/7% ऑफ एक्स हमें क्या देगा, 4248. तो एक्स हो जाएगा ये, और 14 2/7% क्या होगा हमारा, 14 2/7% का वैल्यू आना चाहिए 1/7. तो 1/7 एक्स इक्वल टू 4248. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 into 7x plus 1, 8x, 5, 7 equal to
एक्स क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू इससे 3717। तो हमारा इसका ऑप्शन जो सही होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर सी, 3717। तो इसका जो ट्रिक मेथड है वो हम देखते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कैसे इसको सॉल्व करें हम लोग ट्रिक से। तो पहले हम लोग जो जो 14 2/7% है उसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/7। तो इसमें देखिए ये जो 7 जो है ये होगा आपका ओरिजिनल नंबर, और ये 1 जो होगा ये आपका होगा नंबर जो ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नंबर टू बी एडेड। तो ये जो 7 है देखिए 14 2/7% ऑफ 7 जो होगा इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो देखते हैं अभी 1/7 जो है 1/7 में इसका क्या होगा, ऐड होगा। तो क्या हो जाएगा 7 + 1 8/7 हो जाएगा। तो हमारा 7 हो गया क्या ओरिजिनल, और ये वाला हमारा हो गया न्यू नंबर। तो हमारा 8 का वैल्यू दिया गया है क्या 4248। तो यूनिटरी मेथड का हम लोग इसमें यूज करेंगे, और 1 क्या होगा 4248/8, आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 का आंसर हो जाएगा 4248/8 डिवाइड इक्वल टू क्या होना चाहिए 531 होना चाहिए। देयरफॉर 7 का वैल्यू क्या होगा 7 × 531 7 × 7 ये क्या हो जाएगा 3717 होना चाहिए। इस द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। इफ 6 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन द नंबर बिकम्स 5670, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं ट्रिक के मेथड से, बाय यूजिंग ट्रिक। तो पहले 6 2/3% जो है इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 2/3% जो होगा वो क्या होना चाहिए आपका 1/15 होना चाहिए। ये आपको ये सब वैल्यूज आपको याद रखना चाहिए, आप बाय हार्ट इसको कर लीजिए एंड डेली एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इसका जो वैल्यू 1/15 होगा, तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी ये 15 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा आपका ये 14/15। तो 15 हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर और ये हो गया हमारा न्यू नंबर। तो 14 अभी हमें दिया गया है कि ऑप्शन क्वेश्चन में कि 14 का वैल्यू कितना है 5670। 14 का वैल्यू जो 5670 है तो यूनिटरी मेथड लगा के इसका क्या आएगा 1 का आंसर आना चाहिए 14 इधर का आना चाहिए 405। और फिर 15 का वैल्यू क्या आना चाहिए, 15 का वैल्यू 15 × 5 15 × 5 = 75 15 × 4 = 60। तो आंसर होना चाहिए 6075। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी 6075। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। If 64 is added to a number, then the number becomes 157 1/7% of itself. Find the original number. देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा बिकॉज इसका जो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू है वो बहुत बड़ा है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन वैल्यू में। उसके लिए हमें कुछ सिंपल बेसिक फॉर्मूला, मतलब परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। दैट इज 157 1/7% को हम लिखते हैं पहले। तो इसको हम लोग ब्रेक कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 150% प्लस 7 1/7%। तो 150% हमारा क्या हो जाएगा 150/100 प्लस 7 1/7%। तो हमें पता ही है तो क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए 1/14। तो 151/100 क्या हो जाएगा, ये कटिंग होके हो जाएगा आपका 3/2 प्लस 1/14। तो देखिए हमें इस बेसिस को अगर हम लोग इक्वल कर ले देने, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस इक्वल करने के लिए हम लोग इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 × 3 और 7 × 2 प्लस 1/14 क्या हो जाएगा, ये 21/14 प्लस 1/14 क्या हो जाएगा आपका 22/14। तो ये उसे कटेगा क्या होगा आपका आंसर 11/7। तो देखिए अभी 11/7 जो है, 11/7 है, इसमें कितना का डिफरेंस है, 11 और 7 में ये 4 का डिफरेंस है, और ये 4 का जो वैल्यू है क्या है गिवन क्वेश्चन में 64 है।
हम लोग इसको यूनिटरी मेथड इसमें अप्लाई करते हैं, और 4 और 64 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 का ऑप्शन क्या वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा 16। देयरफॉर जो ओरिजिनल नंबर है 7, दैट इज 7 इक्वल टू 7 का आंसर क्या होना चाहिए, 7 इंटू 16 इक्वल टू 112। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 112 विल बी द करेक्ट आंसर। सो लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। इफ सैलरी ऑफ नायन इज 25% मोर देन द सैलरी ऑफ प्रांजल, देन फाइंड हाउ मच परसेंटेज सैलरी ऑफ प्रांजल इज लेस देन नायन। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके स्टेट एग्जाम्स एज वेल एज बैंकिंग एग्जाम्स एंड सीजीएल सीएचएसएल ये सब में ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस हमको वहाँ पे दिखाई देता ही है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं पहले फॉर्मूला के साथ, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हम ट्रिक कैसे यूज करें। तो पहले हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जो एक्स बाई एक्स प्लस 100 होना चाहिए, एक्स प्लस 100 इंटू 100 जो कि एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। हमारा एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 25 होगा, और नीचे 25 प्लस 100 हो जाएगा आपका 125 इंटू 100। तो ये क्या देगा आपका, ये देगा आपका 1/5 इंटू 100। तो 1/5 इंटू 100 क्या होगा आपका, 20%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी 20%। लेकिन ये क्वेश्चन देखो आप, अगर आप इसमें हमें कुछ पॉइंट का कुछ क्वेश्चन वैल्यू मिल जाए या फिर डेसिमल का कोई भी वैल्यू मिल जाए, देन हमें इसको सॉल्व करने में बहुत तकलीफ आएगी एंड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। देयरफॉर हम इसे ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, और चलिए देखते हैं इसको कि कैसे ट्रिक लगाया जाए इसमें। तो ट्रिक जो है 25% हम इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में 1/4। अभी देखते हैं कि कितना 1/4 9 का सैलरी ज्यादा है कितना, तो क्या होगा ये 4 1 का ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 5/4, 5/4 हो जाएगा। इसमें हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं फिर 9 प्रांजल। तो इसमें नया जब ये हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि 9 का सैलरी इसमें क्या होगा 5, और प्रांजल का सैलरी क्या होगा 4। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 1, और हमें कंपेयर किससे करना है, क्वेश्चन में दिया गया है कि लेस देन 9, तो हमें 9 से कंपेयर करना है। तो 9 का सैलरी कितना है 5, और डिफरेंस क्या है 1, तो कैसे बैठेगा इक्वेशन पे 1/ कंपेयर जो करना है वो हमेशा नीचे रहेगा, वो डिनोमिनेटर में रहना चाहिए। तो 9 का सैलरी यहाँ पे नीचे रहेगा एंड जो डिफरेंस है वो यहाँ पे रहेगा न्यूमिनेटर में। तो 1/5 इंटू 100 हो जाएगा आपका क्या 20%। तो देखिए ये ट्रिक को यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन जो भी वैल्यू हो आप उसको एंड तक पहुंच सकते हैं, एंड आंसर को आप बहुत ही शॉर्ट टाइम पे आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा दैट आप इस ट्रिक को प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आप आने वाले एग्जाम्स में इस टाइप के सभी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाए एंड आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बढ़ते हैं हमारे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द हाइट ऑफ राम इज 42/7% लेस देन श्याम, देन हाउ मच परसेंटेज द हाइट ऑफ श्याम इज मोर देन राम। तो देखिए ये भी एक सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो परसेंटेज का जो वैल्यू है ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। सो ये अगर हम फॉर्मूला से लगा के करने जाएंगे देन ये हमें बहुत टाइम लगेगा। देयरफॉर हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो 42/7% क्या हो जाएगा हमारा 1/7, और 1/7 में क्या है राम और श्याम, तो हमें लिखते हैं कि राम और हम ऐसे लिख देते हैं राम और श्याम एक इक्वेशन एक रेशियो के हिसाब से। राम का कितना होगा जब श्याम का 7 है और राम इज लेस देन श्याम, तो इसमें क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, राम का कितना होगा 6 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन में बिठाने के लिए हमें कंपेयर किससे करना है, हमें कंपेयर करना है श्याम के साथ, सॉरी हमें कंपेयर करना है राम के साथ। तो इक्वेशन कैसे बैठेगा, 1/6 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/6 का वैल्यू, ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगी, आपको याद रहना चाहिए, ये वाला हो जाएगा आपका 16/3%। देखिए ये जो है डिनोमिनेटर में ये हमेशा जो कंपैरिजन जो वैल्यू है वो होगा, कंपैरिजन जिससे हो किया जाएगा वो वाला होना चाहिए डिनोमिनेटर में वो वैल्यू। तो इसमें कंपैरिजन किससे किया गया है, मोर देन राम, मोर देन राम किया गया है, कंपैरिजन इससे हुआ है, देयरफॉर ये डिनोमिनेटर पे 6 रहेगा एंड डिफरेंस जो है वो आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में।
सो इसका आंसर होगा 62/3%, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा वीडियो का एंड आ गया, एंड अगर आपको ये अच्छा लगा हो, ये एक्सप्लेनेशन सही लगा हो, एंड क्वेश्चन क्वेश्चन सब सॉल्व करने का जो तरीका है ये आपको अगर सही लगा हो, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।